आपको हम खबर से आगाह करें। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज ओछे हथकंडों से इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज ओछे हथकंडों से इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पंजाब काबीना इजलास में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। इमरान खान मरियम नवाज और उनके पापा नवाज शरीफ के आसाब पर सवार है। उन्होंने कहा कि जेल में होकर भी जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला इमरान खान से खौफजदा है। इमरान खान प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाला नहीं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि राजकुमारी ओछे हथकंडों से साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साजिशी टोला जितना इमरान खान को दबाता है वह उतना ही मजबूत होता है। इमरान खान कौम के लिए कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं। आपको आम खबर से आगाह करें, बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का अहम बयान सामने आ गया। कहा मरियम नवाज ओछे हथकंडों से इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज ओछे हथकंडों से इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पंजाब काबीना इजलास में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। इमरान खान मरियम नवाज और उनके पापा नवाज शरीफ के आसाब पर सवार है। उन्होंने कहा कि जेल में होकर भी जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला इमरान खान से खौफजदा है। इमरान खान प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाला नहीं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि राजकुमारी ओछे हथकंडों से साबिक वजीर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साजिशी टोला जितना इमरान खान को दबाता है वह उतना ही मजबूत बनता है। इमरान खान कौम के लिए कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं।